हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम आ चुके हैं जॉर्ज बुल दोबारा से बीजीएमआई के अंदर। अब देखो वाला स्पाइडरमैन वाला मोड चला गया, वेब शूटर भी भाग गया। और सच में यार, बिना वेब शूटर की गेम इतना स्लो लग रहा है। पहले मुझे लगता था मैं वेब शूटर इतना यूज नहीं करता, बट भाई मैं एडिक्टेड था यार उससे एक तरीके से। अब जाके पता लगा। अभी तो फिलहाल गाइस उतर हुए थे जॉर्ज बुल, दो बंदों को खत्म करा। और मेरे वो दोस्त जिनको मेरी तरह भाई बैटल ग्राउंड खेलना पसंद है, उनके लिए मेरे पास गाइस बहुत ज्यादा सही न्यूज है। विंजो में गाइस बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स दोबारा से लाइव हो चुके हैं, और इस बार तो गाइस सारे के सारे टूर्नामेंट्स फ्री है। तो भाई फ्री में एंटर करो और हर एक किल पे कैश प्राइज जीतो। इधर तुम्हें हर एक किल पे 40 रुपीज मिलेंगे, और गाइस इतना ही नहीं यार, अगर तुम 40 रैंक पे भी मर जाते हो ना तो भी तुम्हें कैश प्राइज मिलेगा। और इन सारे कैश प्राइजेस को तुम इजिली पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो इंस्टेंटली। बाकी गाइस एक और बड़ी न्यूज, यहाँ पर विंजो पर रॉयल पासेस के गिव अवे चल रहे हैं, और भाई विंजो पर 70 से ज्यादा गेम अवेलेबल है। आपको रॉयल पास जीतने के लिए 3 गेम्स खेलने हैं, और गाइस फिर इस वाले बैनर पे क्लिक कर देना और इस फॉर्म को फिल करके अपनी यहाँ पे सारी डिटेल्स भर देना एंड रजिस्टर कर देना। और गाइस ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें विंजो का लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड करो। मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें भाई 50 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अबैकन भी थी, पर मैं उसे नहीं चला रहा था, मैं एसएलआर ही मारने जा रहा था, क्योंकि यार ये वाली गन भी बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और आज की इस वाली वीडियो में तुम्हें मेरा कंपेनियन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम मैंने लोलू रख दिया पता नहीं क्यों। अब फिलहाल देखो यहाँ पे क्या हुआ, सामने वाले बंदे को मैं मार रहा था, अभी मैं तुम्हें लोलू के बारे में बताऊंगा। यहीं पर घूम रहा होगा भाई, जब मैं नोक होता हूँ तब आ जाता है वो मेरे पास, ये देखो ये रहा। और यार तुम्हें याद होगा कि हाँ हमें लोलू मिला था, अब तुम्हें नहीं पता लोलू कौन है, तो ये जो मेरे साइड में घूम रहा है यही लोलू है। गोडजिला था मेरे पास, वो मुझे अच्छा लगा, मुझे लोलू ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ये मत कहना इसका नाम ये है वो है वो है फलाना ढिमाक का, जो इसका नाम मैंने रखा है इसका नाम है लोलू। और आगे चल के तुम्हें इस वाले गेम प्ले में लोलू की मम्मी भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई लोलू की मम्मी से हमने क्या एनिमीज पर अटैक करा, खतरनाक मजा आ गया। अभी तो फिलहाल मैं एक बंदे के आगे ड्रॉप शॉट मार दूं, बेटी चोट मेरे से पहले पड़ा, वो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और गाइस देखो जैसे ही मैं नोक होता हूँ ये मेरे पास आके पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। लोलू कभी कूदता है, कभी कुछ हरकत करता है, फिलहाल छोड़ो उसे। कितने यहाँ पे एक बंदा है, ये इस वाले कोने में था और एक इस वाले, और दोनों की जिंदगी सच में खराब थी, क्योंकि दोनों पता नहीं क्या कर रहे भाई, कोने में बैठे हुए पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो कुछ तो गलत होने लगा इस वाले। अब देखो लोलू की मम्मी मिल चुकी है गाइस, इसका यूज करेंगे टाइम आने पे, क्योंकि देखो अगर तुम इसे बिना फालतू में यूज कर दोगे ऐसे ही, मतलब भाई सीधा फेंक दिया तो मतलब मजा नहीं आता। मैं तुम्हें इसकी एक सही ट्रिक दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। अभी फिलहाल इस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी, हम डायरेक्ट यहीं पर आते हैं, और ऊपर बंदे थे भाई वो कैंपर थे। अब यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा वेब शूटर की याद आई, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने कहा यार बीजीएमआई वालों सालो वेब शूटर दे दो, वरना तुम्हारा गेम भी बैन करा देंगे हम भाई, मतलब बैन तो वैसे फ्री फायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं गाइस, बीजीएमआई बैन नहीं होगा, डीजे आलोक मुझे बताया तुम्हें बातें, बैठे बैठे खुश तो हो वैसे तुम फ्री फायर बैन होने से, ये बात तो है। और देखो कल जो मैंने फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो डाली थी उसके कमेंट सेक्शन में इतने सारे बंदे कह रहे कि लेजेंड यार तू इनकी साइड क्यों ले रहा है। भाई मैं किसी की साइड वाइड नहीं ले रहा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ सच में। और गाइस अगर देखो तुम्हें मेरी तरह बीजीएमआई में ज्यादा बोट देखने के लिए मिले तो समझ जाना वो एक फ्री फायर प्लेयर है। मतलब मुझे फ्री फायर प्लेयर से दिक्कत नहीं है यार कोई, ये ऐसा फ्री फायर प्लेयर था सॉरी। मतलब देखो फ्री फायर प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा एटीट्यूड होता है, मतलब पबजी मोबाइल वालों में नहीं होता वो। और मैं किसी गेम को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा सच में, पे टू विन गेम थी तो भाई थी, मतलब जितनी स्किन्स लोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्किल्स डेवलप हो जाएगी, ऐसा सीन था उसमें। तो अगर तुम भी इसी बात से सहमत हो और तुम मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करके जाओ और इस वाली वीडियो पे एक लाइक भी मारते जाना। अभी फिलहाल देखो इन वाले बंदों को मारना था, और ये वाले बंदे इतना गंदा गेम कर रहे थे ना भाई, मैं इनके ऊपर वो भी छोड़ दिया है, ये देखो दो आंटी छोड़ दी थी मैंने इनके ऊपर, सॉरी गाइस मैंने इसको आंटी बोल दिया, ये तो लोलू की मम्मी है। मतलब भाई लोलू यार कितना बेकार नाम है, तुम्हें अजीब सा लग रहा, पर सच में मुझे रखते हुए बहुत अच्छा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों इसका नाम लोलू। अब देखो फिलहाल चारों तरफ स्मोक हो चुकी थी और भाई कोई भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे तीन लोलू की मम्मी छोड़ दी, एक मम्मी नहीं इसकी तीन मम्मी है। फिलहाल तो मैंने दोबारा से हाथ में एक ग्रेनेड लिया, और भाई इस वाले ग्रेनेड को मुझे सामने डालना था किसी भी तरीके से, मैं सोच रहा था सामने होंगे बट बंदे एक इधर भाई पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते, एक लेफ्ट में बैठेगा एक राइट में। नहीं बेटी चोदो एक काम करो ना, यहाँ अपना एक घर बना लो, ये भी बंद कर दो, ये गेट भी क्यों खोल रखे, दीवार चिनवा लो ऊपर। बढ़िया
सच में गाइस, मतलब एक तो चूतिया बनती होगी, ये दोनों बंदे अंदर बैठे हुए थे और उसके बाद यहाँ पे चूतिया बनती होगी, हमने तीन यहाँ पे ये छोड़ दिए थे मॉन्स्टर। ठीक है, अब लोलू की मम्मी, ठीक है, अरे लोलू की मम्मी भाई पीछे ही पड़ गई है। देखो हमने यहाँ पे ये तीन छोड़ दिए थे और यहाँ पे हमने जितने बंदों को मारा उसके बाद मारा यहाँ पे भाई, ये लोलू की मम्मी हमारे पीछे पड़ गई। एक और मम्मी नीचे से आ रही थी इसकी, मुझे नहीं पता भाई इतनी मम्मी मम्मी कैसे होगी यहाँ पे। इतनी बार तो मैंने अपनी मम्मी का नाम नहीं लिया होगा जितनी बार इस लोलू की मम्मी का नाम ले लिया। अब देखो मैं अपने टीममेट को पता नहीं किसी ना किसी तरीके से तो बचा लाता हूँ और लोलू भी मेरे पीछे ही आ रहा है। अब अपनी मम्मी को समझाना कि नहीं मारेगी मेरे टीममेट को। बट गाइस लोलू अभी इतना छोटा है कि इसकी मम्मी इसके ही लट बरसा देगी। देखो कितना सा है बेचारा, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता। और एक बंदा फिलहाल लोलू की मम्मी को मार रहा था, तो जब मैंने उसे मारा तो लोलू खुश हो गया, पर अब मैं लोलू की मम्मी को मार दूंगा। देखना यहाँ पे कैसी फाइट होगी इसकी और मेरी। भाई इसको मारना ना थोड़ा सा हार्ड है, अगर तुम मतलब अकेले होगे ना तो ये तुम्हें पेल के चला जाएगा भाई। मॉन्स्टर जो है आजकल के नल्ले बेरोजगार लोंडे पबजी मोबाइल में मिथिक फैशन की आईडी ले लेते हैं ताकि लोगों को लगे ये कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। सच बता रहा हूँ, मेरा डायलॉग नहीं है, मैं तो रील पे देखा था, मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ, मतलब हाँ थोड़ा सच सा था, मतलब तो मैंने सोचा कि हाँ तुम्हें बताना चाहिए, तो भाई मैंने बोल दिया। अब यार देखो तुम हर्ट वर्ट मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं थोड़ा सा टॉक्सिक हूँ और 2022 में मेरा यही रेजोल्यूशन था कि हाँ मुझे अपनी टॉक्सिसिटी कम करनी है, पर नहीं भाई नहीं चलता, मेरे तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता बिना टॉक्सिक हुए। अब देखो इतनी जगह पे हम घूम आए, यहाँ पे हमें दोबारा यहीं आके बंदे मिले पे इस अपार्टमेंट में। भाई अपार्टमेंट में शादी करनी पड़ेगी मुझे। तो भाई सारे बंदे आ जाना अपार्टमेंट पे, शादी होगी अपनी जब 3 मिलियन हो जाएंगे शायद से, तुम करा दो। तो मेक श्योर सब्सक्राइब मारो अगर तुम चाहते हो अपार्टमेंट पे भाई सहरा चढ़े तुम्हारे भाई के मुंह पे। सच बता रहा हूँ शादी से मैं ज़्यादा ही ओब्सेस्ड होने लगा आजकल। ठीक है भाई, मतलब ऐसा कोई नहीं बोलेगा बेटर क्यों। और यार ये बंदा कहाँ जा रहा था और इसने अपना फोन नंबर क्यों लिख रखा है ये, अबे भाई क्या है ये। तो अभी तो गाइस देखो हमने एक बंदे को मारा था जिसने अपना फोन नंबर लिख रखा था, और इसको चाहो तो तुम कॉल कर सकते हो बेचारे को और इसे कह देना कि भाई तू रिकॉल के पास क्यों मर गया था। सच में यार मैंने एक बार एक बंदे को ऐसे कॉल कर भी दिया था, मतलब वैसे वो मेरे मैच में आया, उसने उसको मैंने मारा। ठीक है, उसके बाद मेरी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमेशा चलती रहती है, उसमें उसका नंबर रिकॉर्ड हो गया, मैंने उसे कॉल कर दी, मैंने कहा और भाई कैसा लगा मर के। अब बाकी जिस फोन नंबर वाले बंदे को मारा था वो दोबारा रिवाइव होके भी आ गया, मतलब रिकॉल। और गाइस जिंदगी में ना ऐसे ही टीममेट चाहिए मुझे तो सच में, जो कि भाई एकदम से रिकॉल कर दे, क्योंकि भाई रिकॉल जो है कोई करता ही नहीं आज के टाइम में। रिकॉल के पास आते हुए बंदे डरते हैं, ठीक है, और ये बंदे अच्छा थे बट एकदम रिकॉल कर दिया उसने अपने टीममेट को। ना भाई हम तो चूतिया हैं, तू उठा के ले जाए ड्रॉप ऐसे ही, मतलब नहीं हाँ हम खेल ही क्यों रहे हैं ये गेम इतने सालों से, बेटा ड्रॉप पर आ जाए अपना। ऐसे लेके जा रहा था ये बंदा ड्रॉप जिस तो इसके पापा छोड़ के गए हो अभी यहाँ पे। फिलहाल इसे मारा, कोई नहीं चलो चलते हैं दूसरे बंदों को मारते हैं, 2-3 बंदे ही बच रहे। और यहाँ पे देखना दीपाली कैसी मरेगी। दीपाली मैम ने सोचा यहाँ पे हो रही है दिवाली गन से, मतलब दीपाली मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अभी आपका बॉयफ्रेंड भी पिटेगा। तो गाइस सैड लाइफ फॉर दीपाली, ना तो दीपाली बच पाई ना दीपाली का बॉयफ्रेंड, दोनों के दोनों मर गए यहाँ पे। गाड़ी उठाते हैं इनकी और चलते हैं लास्ट बंदे की तरफ। और गाइस ये जो लास्ट बंदा था ये यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसके ऊपर लोलू फेंक देता हूँ, मतलब लोलू की मम्मी, लोलू तो मेरे साथ ही रहता है। ठीक है, तो मैं फेंका और अभी की इसकी मम्मी लोलू की, फिर मैंने सोचा इसे पहन से मारता हूँ सालों को, जो बाहर बुलाओ। और यार ये बंदा जैसे ही बाहर आया तभी इसे भर दिया पैन से। बाकी यही था गाइस आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में, दैट्स इट। तुम्हें याली वीडियो पसंद आई होगी, याली वीडियो पसंद आई है तो इस वाली वीडियो पे लाइक मारना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी यार मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर आके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई गेम प्ले के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।
wish me love it, yeah, wish me love it.